हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका न्यूज वर्स के नए एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं मार्वल और डीसी के वीकली अपडेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मार्वल के अपडेट से। तो पहली अपडेट सीक्रेट इन्वेजन की तरफ से है। तो सीक्रेट इन्वेजन मार्वल की सेकंड लोएस्ट ओपनिंग वाली शो बन चुकी है। सीक्रेट इन्वेजन जब रिलीज हुई तो इसके फर्स्ट एपिसोड को सिर्फ 9 लाख घरों में देखा गया, जो MCU की सेकंड लोएस्ट रिकॉर्ड है। यानी कि सीक्रेट इन्वेजन अपने डोमेस्टिक मार्केट में काफी अंडर परफॉर्मेंस जा रही है। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आगे इस शो के साथ क्या होता है। और आपको सीक्रेट इन्वेजन कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट यह है कि कैरल डैनवर्स अकेली कैप्टन मार्वल नहीं रहने वाली। ये बात खुद सैमुअल एल जैक्सन ने कंफर्म कर दी है एक इंटरव्यू के दौरान। उनका कहना है कि आने वाला प्रोजेक्ट द मार्वल्स मूवी में MCU में अब 3 कैप्टन मार्वल हो जाएंगी। पहली कैरल डैनवर्स, दूसरी मोनिका रैम्बो और तीसरी कमाला खान। यानी कि बाकी दोनों को शायद कैप्टन मार्वल का टाइटल मिल जाएगा। अगली अपडेट है स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स से। तो कोलाइडर से बात करते हुए स्पॉट का रोल प्ले कर चुके एक्टर जेसन स्वॉर्ट्समैन ने बताया उनका विलन तीसरी मूवी में भी वापस आने वाला है, और इस बार वो और भी ज्यादा बड़ा धासु और बवाल होने वाला है। यानी कि तीसरी मूवी का विलन अभी से ही फिक्स हो चुका है, जो कि है द स्पॉट। अगली अपडेट है सोनी के सिनेमैटिक यूनिवर्स से। तो क्रेविन द हंटर के सिनॉप्सिस से कंफर्म हो चुका है कि क्रेवन और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर जरूर होगा। सिनॉप्सिस में लिखा गया है कि क्रेविन द हंटर मूवी के इवेंट्स स्पाइडरमैन के साथ उसकी दुश्मनी शुरू होने से पहले के है। यानी क्रेविन द हंटर के बाद कुछ तो ऐसा होगा कि क्रेवन और स्पाइडी की दुश्मनी होगी। ये तो थी मार्वल की अपडेट्स। अब बात करते हैं डीसी के अपडेट्स के बारे में। तो डीसी की तरफ से काफी जबरदस्त न्यूज है। और सबसे पहली अपडेट ये है कि नए DCU को अपने सुपरमैन और लुइस लेन मिल चुके हैं। पहले डेडलाइन ने ये रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद खुद जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया। तो जेम्स ने डेविड कॉर्न्सवेट को चूज किया है एज सुपरमैन, और एक्टर रेचल ब्रॉसनहैन बनेगी हमारी लुइस लेन। दोनों ही यंग एक्टर्स हैं, जिससे कहा जा सकता है कि अगले 10-12 साल तक आराम से DCU में बने रह सकते हैं। और ये नई कास्टिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगली अपडेट ये है कि जेम्स गन ने बताया सुपरमैन की शूटिंग खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पीसमेकर के सीजन 2 पर काम करेंगे। अगली अपडेट एक्वामैन एंड लॉस्ट किंगडम की तरफ से है। तो comicbook.com के साथ बात करते हुए मूवी के डायरेक्टर जेम्स वॉन ने बताया कि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम किसी भी तरह के क्रॉसओवर को नहीं दिखाएगी। वो नॉर्मल स्टैंड अलोन मूवी की तरह रहेगी, जैसे कि एक्वामैन 1 थी। अगली अपडेट है नए DCU के लेक्स लूथर को लेकर। तो हॉलीवुड रिपोर्टर के एक रिपोर्ट के मुताबिक लेक्स लूथर के एक्टर के लिए कुछ नामों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वो एक्टर्स है अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, बिल स्कार्सगार्ड और निकोलस। वैसे आप किसे एज लेक्स लूथर देखना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताना। और DC की तरफ से सबसे आखिरी न्यूज है कि द फ्लैश मूवी ऑफिशियली एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर मूवी के कैटेगरी में जा चुकी है। तो यही है इस वीक के अपडेट्स, और उम्मीद है कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।